इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आपके पास सिस्टम दिया गया है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये कोई कर्व होगा, लेकिन ये कर्व एक फंक्शन होगा या नहीं होगा ये आप सोचोगे, ठीक है। ये फंक्शन नहीं होगा, इसमें आप y एज ए सब्जेक्ट जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पता है फंक्शंस के लिए हम लोग क्या पढ़ते थे, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता था। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है कि अगर वो दो जगह ग्राफ को कट कर रही है वर्टिकल लाइन तो वो फंक्शन नहीं होता था, ठीक है। तो जब भी इसका ग्राफ में देखोगे तो कभी भी वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो कभी भी ये फंक्शंस नहीं आएगा। खैर जो भी हो, हमें तो डीवाई बाई डी एस निकालना है और ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर हमें तो डिफ्रेंशिएट करना है d बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 100, ठीक है। 100 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। खैर यहां पे एलजेब्रा लग जाएगी डिफ्रेंशिएशन की, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई और प्लस d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ये तो फर्स्ट स्टेप हुई प्राइमरी, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, nx एंड माइनस वन, क्या आ जाएगा आपका 2x 2 माइनस वन nx एंड माइनस वन, ठीक है। 2 माइनस वन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 1 तो कोई लिखता नहीं है तो हम लोग क्यों लिखे, ठीक है। 1 हटा दिया दैट इज 2x। खैर यहां पे प्रॉब्लम है किसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, x या y। तो यहां पे दो फंक्शन है आपके पास, x और y है, ठीक है। तो x y दोनों फंक्शन है तो यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट x सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है आपका सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट d by dx ऑफ सेकेंड मतलब x d by dx ऑफ y प्लस सेकेंड d by dx ऑफ फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल हो गया आपका, ठीक है। तो अभी तो हमने इसको किया है, यहां पे भी प्रॉब्लम है, ये y स्क्वायर है और y स्क्वायर जो है y का फंक्शन है तो ये x के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। दैट मीन्स यहां भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यहां पे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा d बाई डी वाई और एडजस्ट करना पड़ेगा इस dx को, तो dy बाई dx। तो अगर देखा जाए तो हमने dy से डिवाइड और dy से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, एडजस्ट हो गया। खैर अब ये y स्क्वायर खुशी खुशी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, इधर तो जीरो पहले से था आपका, ठीक है। तो यू गेट 2x प्लस x टाइम्स dy बाई dx एंड प्लस y और dx बाई dx 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आपका 2y आ जाएगा dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 0। क्या निकालना था आपको, dy बाई dx, तो कोफिशियंट कलेक्ट करते हैं हम, है ना, dy बाई dx से कोफिशियंट कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहां से dy बाई dx का कोफिशियंट प्लस का x है और यहां से dy बाई dx का कोफिशियंट क्या है आपका प्लस का 2y है, ठीक। अच्छा जो dy बाई dx के टर्म्स नहीं है तो वो उस साइड में भेज दीजिए, तो 2x टर्म नहीं था तो वो उस साइड में जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अच्छा y भी टर्म नहीं था, ये भी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अब जो dy बाई dx है, dy बाई dx, ठीक है, dy बाई dx जो हो गया आपका क्या हो गया, ऊपर से माइनस कॉमन कर लेते हैं, 2x प्लस y ओवर जो ये कोफिशियंट है डिवाइड बाय dx को डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका x प्लस 2y, तो दैट इज योर फाइनल आंसर।